एस्ट्रोनॉमिकल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर डिटेक्टर्स। न्यूक्लियर डिटेक्टर्स में हमारे पास डिफरेंट डिटेक्टर्स होंगे, जैसे चैम्बर बीसी में है, जीएम काउंटर बीसी में है। तो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स की दो टाइप्स होती है, एक है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा है ट्रैक। ट्रैक हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारा सिलेबस का हिस्सा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर डिटेक्टर। सबसे पहले हमें न्यूक्लियर डिटेक्टर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक है उसके प्रिंसिपल में समझ आ जाए, देन हमारे पास कोई भी आ जाएगा उसमें सेम काम ही होना। इसका मेन थीम, मेन प्रिंसिपल क्या है न्यूक्लियर डिटेक्टर्स का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर डिटेक्टर्स का, वो ये है कि हमारे पास कुछ रेडिएशन होगी, उन रेडिएशन को हम डिटेक्टर में से गुजारेंगे। डिटेक्टर में से गुजारने के बाद वो जो मटेरियल है उसमें डिटेक्टर्स के लिए, डिटेक्टर्स के अंदर हमने रखा हुआ है, उसको वो रेडिएशन कर देगी आयोनाइज, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर दिया। वो आयंस को हम कलेक्ट करेंगे, जब कलेक्ट करेंगे वो आयंस करेंगे मूव, वो जब मूव करेंगे उससे थोड़ा सा करंट पैदा होगा, उस करंट को हम मेजर करेंगे और उस करंट से हमें पता चलेगा अगर ज्यादा करंट हमें मिल रहा है, ज्यादा पल्सेस हमें रिसीव हो रही है, तो रेडिएशन जो हम यूज कर रहे हैं वो हाई स्ट्रेंथ की है, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, या जहां से वो रेडिएशन निकल रही है वो बहुत हाई एनर्जी की निकल रही है। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर है। मेन थीम इसका क्या है कि हमारे पास कुछ रेडिएशन होगी, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, या हमारे पास कोई और रेडिएशन है, कोई प्रोटॉन है, कोई बीटा पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी रेडिएशन हमारे पास हो सकता, कोई भी रेडिएशन, कोई भी हमारे पास पार्टिकल हो सकता है। इसको हम डिटेक्टर में से गुजारेंगे, डिटेक्टर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, एक को हम कहेंगे कैथोड और दूसरे को कहेंगे हम एनोड। जब ये पार्टिकल्स इसमें से गुजरेंगे, इनको कर देंगे कन्वर्ट आयंस में, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में। अब क्या होगा कि कैथोड कलेक्ट करेगा पॉजिटिव आयंस और एनोड कलेक्ट करेगा नेगेटिव आयंस। अब जब ये नेगेटिव आयंस मूव करेंगे तो इन मूव करने से एक पल्स क्रिएट होती है जिसे हम इलेक्ट्रिकल पल्स कहते हैं। इस पल्स को खास नाम दिया गया है ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिकल पल्स। ये इसलिए कहा जाता है, ट्रांजिएंट कहते हैं शॉर्ट इंटरवल के लिए, शॉर्ट इंटरवल के लिए जो हमारे पास करंट पैदा होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिकल पल्स। फिर अब ये इलेक्ट्रिकल पल्स हमें रिसीव होती है, इस ट्रांजिएंट जो पल्स है इसको हम कर देते हैं एम्पलीफाई कर देते हैं। जब एम्पलीफाई करते हैं, जैसे साउंड को एम्पलीफाई कर दिया जाता है, इसी तरह इस इलेक्ट्रिकल पल्स को भी एम्पलीफाई कर दिया जाता है। जब इलेक्ट्रिकल पल्स को एम्पलीफाई करते हैं उसके बाद हमें उस पल्स से हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं जिस रेडिएशन ने इन आयंस को, इन मटीरियल को आयन में कन्वर्ट किया था। वो खास एक किस्म का हमारे पास मेजरमेंट होता है, प्रोसीजर होता है मेजरमेंट करने का, मैं कह लेते हैं कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, ये गामा रे है, पार्टिकल है, ये इनके पास हाई एनर्जी की है या लो एनर्जी की है, या कैसी रेडिएशन हमारे पास रिसीव हो रही है। तो ये होता है हमारे पास सारा का सारा काम न्यूक्लियर डिटेक्टर। और ये कौन सा डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर डिटेक्टर। अब नेक्स्ट इसका है हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर अगर हमें समझ आ गया तो, आयोनाइजेशन चैम्बर अगर समझ आ गया तो हमें तकरीबन सारे के सारे डिटेक्टर जो है वो आप लोगों को समझ आ जाए। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर डिटेक्टर है, हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर, हम इसका पढ़ेंगे।
इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ रेडिएशंस को हम इसमें स्टडी करते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हमारे पास आयरन चैम्बर की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। मेटेलिक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, हमारे पास एक कंटेनर होगा वो मेटेलिक होगा और सिलेंड्रिकल शेप की होगी। इसमें हम आर्गन गैस मतलब हम वो गैस यूज करते हैं जो इनर्टनेस हो, लाइक आर्गन हो गई, और दूसरी हमारे पास गैस होती है कोई भी क्रिप्टोन होगी, क्रिप्टोन। शायद हम इसमें हीलियम भी यूज कर सकते हैं, शायद हीलियम के लिए शायद, लेकिन आर्गन क्रिप्टोन तो बस है। खैर इसमें हमारे पास एक टंगस्टन वायर सिलेंड्रिकल हमारे पास है, लाइक हमारे पास ये है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप इसकी बन गई, और इसके सेंटर में हमारे पास इसके सेंटर में एक वायर होती है टंगस्टन ऐसे करके, लेकिन वो कंटेनर के साथ कनेक्टेड नहीं होती, इंसुलेटेड होती है, कंटेनर से उसका कोई लिंक नहीं होता। लाइक फर्ज करें अगर कंटेनर में पावर सप्लाई देता हूँ, कंटेनर की आउटर साइड को नेगेटिव दे देता हूँ, इसमें भी नेगेटिव ही दिया जाता है, और ये जो हमने टंगस्टन वायर के अंदर रखनी है सेंटर में एक्सिस के अंदर लॉन्ग, उसको हमने पावर सप्लाई का एनोड देना होगा। तो उस टंगस्टन वायर एज एनोड वर्क करता है, और जो हमारे पास आउटर सरफेस है इसकी वो एज ए कैथोड वर्क करता है, और ये सारा का सारा एक चैम्बर में होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आर्गन गैस इसमें है, मेन इसका प्रोसीजर इसका वही है प्रिंसिपल जो हमने इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर डिटेक्टर में पढ़ लिया था, वो ये था कि हमने रेडिएशन को एक्सरे या गामा रे या बीटा पार्टिकल को इसमें से गुजारेंगे, ये रेडिएशन आर्गन गैस या क्रिप्टॉन जो है हमारे पास गैस उसको आयनाइज करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव में, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कलेक्ट हो जाएंगे एनोड से, और पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो जाएंगे इस नेगेटिव आउटर सरफेस से की तरफ अटैक होना शुरू हो जाएंगे, इससे इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल पल्स जब जनरेट होगा देन हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई करने के बाद हम इन रेडिएशन की स्ट्रेंथ के बारे में मेजरमेंट डालेंगे कि जो भी हमें इसकी डाटा चाहिए होगा या जिस पार्टिकल से निकल रही होंगे उस पार्टिकल की बारे में से पार्टिकल सॉरी जिस एटम से निकल रहे होंगे जिस सोर्स से निकल रहे होंगे उस सोर्स के बारे में हम इसका आइडिया लगा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में हमें क्या करना है, आयनाइजेशन चैम्बर का हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ ली, कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर हमारे पास आर्गन गैस या क्रिप्टन गैस होती है। प्रिंसिपल में हमने क्या करना है, तो मेन थीम हमारे पास क्या है कि रेडिएशन को हमने पास करवाया डिटेक्टर में से, उन रेडिएशन ने आयन गैस को आयनाइज किया, आयनाइज किया वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमारे पास कलेक्ट हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को हमने फिर उसके बाद जब कलेक्ट करते हैं कि थोड़ा एनोड से हमें एक पल्स हासिल होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पल्स कहते हैं या ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिकल पल्स भी कहते हैं, उस पल्स को फिर हम स्टडी करते हैं जिससे हमें पता चलता है रेडिएशन जो हमने रेडिएशन पास करवाई है उसके बारे में हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम हासिल कर रहे हैं। मजीद क्या होता है कि वो जो आयन पेयर क्रिएट हो रहे हैं, आयन जनरेट हो रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हमारे पास रेडिएशन कौन सी नेचर की यूज हो रही है, एक्सरे हो रही है, गामा रे हो रही है, बीटा पार्टिकल हो रहा है, साथ साथ हमें उसकी वेलोसिटी अगर एक्सरे ही यूज हो रही है पहले जो यूज की थी उसमें और अब यूज की है इसमें दोनों की वेलोसिटी में क्या डिफरेंस था, साथ साथ डिटेक्टर में हमने आर्गन गैस कौन सी यूज की हुई है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये प्योर गैस है, कोई और गैस करेंगे तो मे भी ज्यादा आयंस क्रिएट हो, ये यूज करें तो मे भी कम आयंस क्रिएट हो,
आयोडाइज हो, क्योंकि मेबी एनर्जी कम हो निकालने की, आयोडाइजेशन एनर्जी कम हो। तो ये चीजें सारी की सारी हमने प्रिंसिपल में देखी देखी होती है। प्रिंसिपल में मेन इसका हमने मेन थीम बताना होता है कि हमने मेन काम क्या करना है। रेडिएशन ने आयोडाइज किया, आयोडाइज को हमने कलेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल पल्स हासिल हुई। इलेक्ट्रिकल पल्स से हम आगे स्टडी करते हैं रेडिएशन के बारे में। वर्किंग में हमारे पास क्या है कि वर्किंग में हमने सारा डिटेल बता देनी है कि वर्किंग में हमने क्या क्या काम करना है। चार्ज पार्टिकल दिए, उनको चैम्बर में से गुजारा, चैम्बर में से गुजारने के बाद जब चैम्बर से गुजारेंगे तो आयोनाइज कर देगा, आयोनाइज कर देगा, उन आयन को कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद हमें आयन हासिल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, कैथोड और कैथोड से पॉजिटिव और एनोड से हमें नेगेटिव। तो एनोड से हमें पॉजिटिव आयन हासिल हुए, जब वो मूव करते हैं तो पल्स जनरेट होता है। लेकिन इससे पहले ये जो आयंस पेयर हमें जनरेट हुए हैं ये डिपेंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट करें 5 वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, रेडिएशन ने गैस को तो आयनाइज कर दिया, लेकिन फर्स्ट करें आयनाइज कर दिया है कि 5 वोल्ट में इतनी ताकत ही नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है कि वो दोनों आयंस को अपने एनोड पे अट्रैक्ट करें, तो उससे पहले वो दोनों डीकंबाइन। तो इतना कम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये पेयर हैं आयंस क्रिएट हो रहे हैं जनरेट हो रहे हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स जैसा कि आपने वर्किंग में देखा कि रेडिएशन ने गैस को आयनाइज किया, गैस कन्वर्ट हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, उनको कलेक्ट करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी दिया एनोड और कैथोड ने, उन आयंस को कलेक्ट आपस में उनको कलेक्ट करना था। तो उनको कलेक्ट करने से पहले मतलब कलेक्ट करने से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है रिकम्बिनेशन। उसके बाद हमें मिलती है जो पल्स रेट है उसकी आउटपुट, आउटपुट ऑफ आयोनाइजेशन डिटेक्टर। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ है एनोड और कैथोड के दरमियान वो कितना दिया। अगर आपने बहुत हाई दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को बहुत तेजी से एक्सेलरेट करवाएंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेंगे उनके दरमियान जो गैस आएगी उसको भी आयनाइज करेंगे, वो आयंस उस गैस को आयनाइज कर देंगे, इससे हमें आयंस जो है वो और ज्यादा जनरेट होते हैं। जब और ज्यादा आयंस जनरेट हो जाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। जनरेटेड आयंस, जनरेटेड आयन जो रेडिएशन ने गामा ने या एक्सरे ने या बीटा पार्टिकल ने आयंस को जनरेट किया था, वो आयंस जब एक्सेलरेट किए जाते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक्सेलरेट करवाए जाते हैं तो वो फर्दर मजीद आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, फिर हमें और ज्यादा मल्टीपल आयंस हासिल हो जाते हैं। फिर वो डिपेंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया कि अप्लाई कितना किया। अब वो जो आयन जनरेट होते हैं या तो ये वाले या इसके बाद ये वाले, मतलब जो अल्फा गामा या बीटा किसी रेडिएशन ने आयन जनरेट किए उसे हमने कह दिया जनरेटेड आयंस। उन्हें आगे फर्दर प्रोड्यूस आयन प्रोड्यूस करते हैं। इन आयंस की बात हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये या ये दोनों के दोनों अप्लाइड पोटेंशियल डिपेंड करते हैं। ये तो उस वक्त जनरेट होंगे जब आपने जो कैथोड और एनोड है बहुत ज्यादा हमने उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हुए तो तब ये जनरेट होंगे। इससे पहले चल इन्हीं की बात कर लेते हैं, इन आयंस, ये आयंस एनोड और कैथोड तक उस वक्त पहुंचेंगे जब हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर बहुत ज्यादा लो होगा तो ये दोबारा कंबाइन हो जाएंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत लो है तो ये कंबाइन हो जाएंगे, अगर
हाई एंड ये क्या हो जाएंगे कंबाइन होंगे। फर्दर ये इनकी बात हो गई, मजीद हमने चले जी इन्हें तो रिकंबाइन नहीं होने दिया, थोड़ा सा पेंशन हमने बढ़ा दिया, इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव आने तो जनरेट कर दिए, लेकिन इनको जनरेट करने के दौरान की नदी थोड़ी जाया हो गई, तो अब इनको कलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत तो है, तो ये भी रिकंबाइन हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा पेंशन और बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे, देन ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो इन्होंने प्रोड्यूस किया वो भी आएंगे। अब ये सारे के सारे रिकम्बिनेशन से पास होने के बाद, मतलब रिकम्बिनेशन नहीं हुई, कंबाइन नहीं हुए, मे नॉट कंबाइन क्योंकि हमने पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई कर दिया, यहां से भी पास हो गया, ये मल्टीपल भी हो गए, ये भी रिकम्बाइन नहीं हुए, इन सब का कंबाइन इफेक्ट, कंबाइन इफेक्ट जो हमें आयन हासिल हुए वो उन्हें हमने कर दिया कलेक्ट, रिस्पेक्टिव जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उससे, पॉजिटिव को हमने कर दिया कैथोड से और नेगेटिव को कर दिया हमने एनोड से, इन्होंने प्रोड्यूस किया पल्स, उस पल्स को कहते हैं आउटपुट ऑफ आयनाइजेशन। ये स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका बायोग्राफिकली, इसको हमने एक्सप्लेन करना है आयनाइजेशन चैंबर को, तो इसमें हमारे पास टोटल 6 रीजन है, जो फर्स्ट रीजन है उसको कहते हैं रिकम्बिनेशन, इसमें पोटेंशियल बहुत लो होता है, जब रेडिएशन जनरेट होती है वो आपस में रिकम्बाइन, सॉरी जब आयन जनरेट होते हैं तो वो दोबारा आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं, इस रीजन को रिकम्बिनेशन कहा जाता है। आयनाइजेशन रीजन क्या है, रेडिएशन ने आयन्स में तो कन्वर्ट कर दिया और फिर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन ने उन आयन को कलेक्ट भी कर लेना होता है रीजन को, इसे कहते हैं आयनाइजेशन रीजन। तीसरा है प्रोपोर्शनल रीजन, प्रोपोर्शनल रीजन में आप देख सकते हैं यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस पर तो ये डिपेंडेंट है ही, अल्फा पार्टिकल्स के लिए ये है, बीटा पार्टिकल के लिए ये है, मतलब हमारे पास दो पार्टिकल थे अल्फा बीटा को यहां पर स्टडी किया जा रहा है, अल्फा पार्टिकल में शुरू में इनिशियल आयनाइजेशन जो थी इसकी हाई थी, बीटा की लो थी, लेकिन यहां पर ये प्रोपोर्शनल है जरूर, नंबर ऑफ जो आयन्स जनरेट हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इनिशियल आयनाइजेशन पे, कि शुरू में अल्फा ने ज्यादा निकाले थे तो यहां भी निकल ज्यादा ही रहे हैं लेकिन डायरेक्टली है, बीटा के अल्फा से कम है लेकिन डायरेक्टली है, जिस आयनाइजेशन की जब जब हमारा मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तब तक आयन नंबर ऑफ ये हमारे पास जो कर्व हासिल हो रही है, ये कर्व है नंबर ऑफ आयन्स पेयर जो हमें जनरेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयन्स पेयर, तो हमारे पोटेंशियल के लिहाज से जब जब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं तब तक ये आयन भी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आयन्स पेयर जो है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास इनिशियल आयनाइजेशन जो हमारे पास थी, अगर अल्फा की है तो उसकी अभी भी ज्यादा है, बीटा की है तो अभी भी ज्यादा, लेकिन डायरेक्टली है, बस ये इसी कहा जाता है प्रोपोर्शनल रीजन, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसके बाद ये दोनों आपस में मर्ज हो जाती है, अल्फा से और बीटा से जो आयन जनरेट हो रहे हैं वो दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो गए मर्ज हो गए, इसे कहते हैं लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन, इसे हम यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें यूवी रेडिएशन जो है वो फर्दर आयन जो है वो यूवी में चले जाते हैं। जो रीजन फिफ्थ है हमारे पास उसे कहते हैं जीएम काउंटर रीजन, जीएम काउंटर रीजन क्या है, इसमें हमारे पास देखिए पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा किया ज्यादा किया जितना भी बट आयन हमारे पास जनरेट तो हो रहे हैं,
एम्पीयर जनरेट हो रहे हैं, लेकिन शुरू में स्टार में अल्फा से ज्यादा थे, बीटा से कम थे। तो यहां पर चाहिए था कि अल्फा से ज्यादा आयन जनरेट हो रहे थे, बीटा से कम हो रहे थे, लेकिन ऐसा केस नहीं है। इसे कहते हैं जीएम काउंटर रीजन। इसमें हमारे पास मल्टीपल आयन जनरेट हो रहे थे। जो सिक्स रीजन है उसे हम कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन कहते हैं। इसमें देखें इन डिफरेंट वे में हमारे पास रिजल्ट आ सकता है, इन डिफरेंट वे में, जिस वजह से हम इस रीजन को इस रीजन में इंटरेस्टिंग बनेंगे। तो ये था आपका आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें आपने सबसे पहले डेफिनेशन कर देनी है आयोनाइजेशन चैम्बर किससे यूज होता है, प्रिंसिपल आपने बता देना है, कंस्ट्रक्शन आपने बता देना है, फिर आपने उसकी वर्किंग पे आ जाना है। वर्किंग के बाद दो केसेस हैं, कलेक्शन से पहले आयंस की कलेक्शन से पहले, उसके बाद ये आपने ग्राफ बना।